जय श्री देव, जय श्री देव। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, आप इनको पहचान भी रहे होंगे क्योंकि इनकी वीडियो बहुत सारे आपने देखा होगा। और पहले कौन सी बार आए हैं? मैं चौथी दफ़े आ रहा हूँ। चौथी दफ़े में आपको कुछ आराम भी पड़े हैं कि नहीं? आ ही रहे हैं? नहीं, आराम पड़ रहा है। आराम नहीं पड़ता तो आता ही नहीं जी। फिर जी, किस हिसाब से आराम पड़ रहा है आपको? बहुत आराम पड़ रहा है। तो आप देख भी सकते हैं, बहुत आराम पड़ रहा है। स्किन के जो प्रॉब्लम था स्किन में, वो कितना आराम पड़ गया। स्किन भी आना शुरू हो गया। जो परेशान करती है वो भी तो निकाल जाएगी। हम भी तो किसी मर्ज की दवा होंगे ना। देख सकते हैं कि पहले क्या शरीर की स्थिति थी, अब क्या हो गई। ये सब हिस्सा देख सकते हैं, पीठ का हिस्सा भी बहुत हद तक। हाँ, तो मेरी छोड़ देता कि मैं बिस्तर पर छोड़ पाऊंगा जी। हाँ, तो अब ड्यूटी जा रहा? जा रहा हूँ। ये तो उठा ही जा रहा था मुझसे जी। तो आप कितने समय से ड्यूटी नहीं जा पा रहे? दो महीने से। तो आप देख सकते हैं, जाता फिर वापस आ जाता जी। ऐसे होता था नहीं। वो हाथ पीठ वाला हिस्सा में तो सिर्फ वो दाग जैसा बस रह गया है। इसका सारा दोबारा बढ़ नहीं रहा, खत्म ही होना लग रहा है। ऐसे ही ना बाबू जी, बढ़ा तो नहीं कहीं से? नहीं बढ़ा नहीं। शुरुआत में जब आया था तब तो बढ़ रहा था ही। फिर कम होता जा रहा है। कम ही होता जा रहा है तब से। पहले तो बहुत बढ़ रहा था। विराजमान है उसके दर्शन कराता हूँ। कृपा विराजमान है शनिदेव महाराज। हाँ, आप देख सकते हैं पहले घाव की स्थिति ऐसी थी, बीच में से पानी जैसा होते रहता था ना। सर में लग रहा है बिल्कुल है ही नहीं। सर में था ही नहीं क्या? हाँ जी, नहीं इधर पे गर्दन भी है खाली जी। और पहले पूरे में था ना? कहाँ गया वो? गायब हो गया भाई। सर का कान में भी था, है ना? तालियां बजा दो भाई। तुम्हारा भगवान भला करे। चार चार बार टाइम गोली खाता था दर्द की जी, जब भी उठा नहीं जाता। मुझे दर्द ही बता दो अब आप शरीर में। ये सोचा नहीं था। दर्द बताओ मुझे कहाँ? तो नहीं है जी। कहाँ गया दर्द? आपके यहाँ पे आता हूँ तो दर्द तो भाग जाता ही। हाँ साला, डरेगी नहीं चीज, भाग जाएगी। आते आते फिर वो भी खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? पहले ऊपर के कपड़े पहनो, नीचे का कराओ। आ गई देना बने भाई, पहन लो आराम से, ठंड लग जाएगी भाई। पैर का तो हाल आप ही बताएंगे। पहले पैर कैसा था, अब कैसा है? पहले से तो बहुत फर्क है। पहले तो मोटी मोटी पपड़ी जम गई थी। आप देख सकते हैं कि अब लेयर भी इसका, स्किन का जो लेयर है पतला हो चुका है। ये और ये एरिया आप देखिए, ये सब एरिया पूरा पतला हो चुका है स्किन का। ये दोनों वापिस आपको वैसे ही करना है जैसे थे, जैसे एक युवा आदमी होता है, ठीक है? इसलिए आते रहना, ये बात समझ लेना मेरे। आगे ना समय लगेगा थोड़ा, लेकिन आते रहना, भैया के आदेश का पालन करना। कौन कोई वाक आदमी का मनोबल टूट जाता है ना कि कुछ नहीं हो रहा तो अब बंद कर देता हूँ जाना ही। तो आदमी फिर इलाज पूरा हो नहीं पाता भाई उसका ना। नहीं तो हमारे पास तो कोई भी आया अभी तक दो बार से ज्यादा आया नहीं। ना आप ही आए हो ना चार बार। ये भी तो देखो ना, एक लड़का आया शुरुआत में, वो एक बार आया उसको आराम पड़े, अब वो वापस चला गया, वो वहाँ का था बरेली का, अब दोबारा आएगा, ठीक है? वो आने की तैयारी कर रहा है, ठीक है? उसके एग्जाम थे, ठीक है?
ठीक है, दूसरा आया वो दो बार आया कुल, ठीक है ना, जब दो चार बार आओगे तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता, ऐसे नहीं पता लगता, मतलब देखिए एक दो बार में ठीक हो जाएगी बहुत अच्छी। और प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हुए पहली बार में आते ही, ऐसे नहीं, खुजली में आराम होता है, खुजली सारी चीजों में आराम होता है, स्किन वो हो जाती है, ठीक होता है। ये पहलवान जी थे बिल्कुल, इनकी वीडियो नहीं बनानी थी हमने, बाकी वो तकरीबन ज्यादा ठीक हो गए ज्यादातर, इनके स्किन का देख रहे हो आप कितने इम्प्रूवमेंट। चलो घूम के बैठ, हाँ मैं तो इनका भूत प्रेत का कुछ नहीं पता, हम तो इनको रोग के लिए बुलाया, रोग ठीक कर देंगे, हमें क्या पता घर रोग से मतलब है ना, तो रोग नहीं आपको सरकारी से मतलब है, हमें क्यों मतलब है, हमने क्या तेरा टेंडर खाया चश्मे वाली बुढ़िया, अपने घर जा, तेरा बच्चा ना आया, तेल ले लूँ जोत में, पहले एक डब्बा तेल कर लो उसको डालो जोत में और फिर नीचे से निकाल लो, ठीक है, वो अपने आप दे दें, वहाँ कोई ना कोई होगा, हाँ वहाँ तो कोई होंगे बैठे उनसे, बर्न हो जाता है तो थर्ड स्टेज का जो बर्निंग होता है वैसा इनका पैर का हाल है, लेकिन अब देखिए स्किन यहाँ दर्द है थोड़ा सा, ओ दुनिया के रखवाले, चलने में तो अब दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा चलता हूँ, एक ही कितनी की है पंजा, तो चलने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चल कहाँ पा रहे थे पहले जब शुरुआत में आए थे, शुरुआत का तो आप ढीला ढाला वैसे ही आया था, ही कल नहीं जा पाए, दो तीन कल तो पूरा दिन घर में ही, फिर हड्डी में दर्द हो गया, कौन सी में, ये तो दो अगरबत्ती जला के नहीं बोलते हैं, मनु भैया को साक्षी मान के शंकर भगवान आपको धूप दान कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें, ये सब कर अगरबत्ती ऐसे ही बोल दिया करो, शनि धाम के दूध तो रक्षा करो और दर्द कम करो मेरा, पीजिए चलो उससे भी आराम हो जाएगा, इनका उतारा भी कर दिया करो भाई, हमारे रात्रि में हमारी रक्षा करे सब परिवार, चलो भाई चल के दिखाओ, चल के दिखाइए, देख सकते हैं पहला वीडियो में तो चल कैसे रहते हैं, आवाज कैसे चलती है, ये शनि धाम की महिमा, यही है शनि धाम की महिमा, क्योंकि यहाँ जो भी नकारात्मकता की लागू होती है पूर्ण रूप से सुदृढ़ तरीके से होती है।